नमस्कार, मैं पूना विश्वकर्मा, आप देख रहे हैं जी टीवी न्यूज। उमरिया जिले में पूजा अर्चना के साथ बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया इच्छा नवमी का त्यौहार। जिले के विभिन्न स्थानों से लेकर जिला मुख्यालय के मणिबाग मंदिर, सगरा मंदिर, उमराड डैम सहित कई स्थानों में इच्छा नवमी का त्यौहार शांतिप्रिय ढंग से मनाया गया। वही इच्छा नवमी अवसर पर सभी महिलाओं ने अपने परिवार के साथ आंवले के पेड़ पर रक्षा सूत्र बांधकर पूजा अर्चना की एवं वहां पर पकवान बनाकर प्रसाद ग्रहण किया। वही इच्छा नवमी त्यौहार के संबंध में जानकारी देते हुए श्रद्धालु महिलाओं ने बताया कि इच्छा नवमी का त्यौहार सनातन धर्म एवं पौराणिक समय से मनाया जा रहा है। अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए यह त्यौहार सभी लोग मनाते हैं। पूर्वकाल में भगवान विष्णु ने माँ लक्ष्मी से कहा था कि राधा अष्टमी, गोपाल अष्टमी के बाद जो नवमी पड़ेगी उस समय आंवले पेड़ के नीचे बैठकर जो महिला अपने परिवार के साथ पकवान बनाकर माँ लक्ष्मी को प्रसाद अर्पण करेगी उसकी हर मनोकामना पूरी होगी। वही इस मानवता के कारण इच्छा नवमी का त्यौहार बड़ी खुशहाली के साथ मनाया जाता है। इस अवसर पर धार्मिक स्थलों से लेकर आंवले पेड़ के पास हजारों श्रद्धालुओं की अपार भीड़ मौजूद रही। ऐसे उमरिया से शंकर सिंह चंदेल की एक खास रिपोर्ट। आज इच्छा नवमी का त्यौहार है और हम बनाते हैं, अपनी फैमिली के साथ आते हैं, आंवले की पूजा करते हैं और उसी के नीचे जो बनाते हैं वो खाते हैं। हमारी तरफ सभी उमरिया जिला वासियों को आंवला लाने की हार्दिक शुभकामनाएं। इस दिन वो परिवार मिलकर एकत्रित होते हैं और पिकनिक टाइप का मनाते हैं, आंवला की पूजा होती है। इस दिन दीपावली के 9वें दिन ये त्यौहार मनाया जाता है। आंवले के वृक्ष की पूजा होती है, इसी के दिन के बाद से ही हम लोग आंवला खाना शुरू करते हैं और इसकी हम लोग पूजा अर्चना कर रहे हैं। उसी के वृक्ष के नीचे खाना पकाया जाता है और खाते हैं सब परिवार के साथ हम लोग। ये हमारा पूरा महिला मंडल, कल्चरी महिला मंडल है, हम लोग उमरिया से आए हैं। नवमी के त्यौहार सभी साथ मिल के मनाते हैं, एक आंवले के पेड़ के नीचे पूजा करते हैं, सभी अपनी मनोकामनाएं करते हैं, सभी मिलजुल कर मनाते हैं। नवमी के त्यौहार दीपावली के 9वें दिन मनाए जाते हैं, पूरे जिले में इसे मना रहे हैं, सभी साथ मिलकर मना रहे हैं। जिलेवासियों को इच्छा नवमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। ये जो इच्छा नवमी बोलते हैं इसको, ये इच्छा पूरण का एक त्यौहार माना जाता है। हम आंवले की पूजा करते हैं, इसमें भगवान विष्णु का एक रूप माना जाता है और इसमें ये बोला जाता है कि यदि हम इसकी सच्चे मन से प्रार्थना करते हैं, पूजन पाठ करते हैं तो हमारी इच्छाओं की पूर्ति होती है, हमारी इच्छाएँ पूरी होती हैं। और इसके नीचे भोजन पकाया भी जाता है और इसी के नीचे बैठकर प्रसाद ग्रहण किया जाता है। हमारा इच्छा नवमी का त्यौहार सनातन धर्म से में बहुत पौराणिक समय से मनाया जा रहा है। भगवान विष्णु ने राधा अष्टमी, गोपाष्टमी के बाद में जो नवमी पड़ेगी माँ लक्ष्मी को ये कहा था कि अगर जो भी महिला अपने परिवार के साथ आंवला वृक्ष के नीचे व्यंजन और मिष्ठान पकवान उनको अर्पित करके भोजन करेगी उसे इच्छा भर प्राप्त होगा। नवमी का त्यौहार है और इस पर्व में जो है सो महिलाएं आंवला की पूजा करती हैं और आंवला के नीचे बैठ के तरह तरह के पकवान, मिठाई जो इच्छा होती है उनको पाती हैं। और जो इच्छा नवमी का ये त्यौहार है पूरे प्रदेश, पूरे देश में जो है सो, पूरे भारत वर्ष में जो है सो बहुत सनातन धर्मों से मनाया। खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए, सब्सक्राइब कीजिए।